सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करते हैं सभी बढ़िया होगे, आगे भी बढ़िया रहना। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि आज शाम को आप लोगों को ड्रेस कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे हमारे इस रूठे हुए बंडल के साथ। सो यस गाइस, इस बंडल का नाम मैंने रूठा हुआ और नाराज बंडल रख दिया है, क्योंकि यार इस बंडल को एक बार देखो आप लोग ध्यान से, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यार किसी बात से नाराज हो गया ये बंडल एकदम। इस बंदर की तरह गाइस ये बंडल बिल्कुल नखरे कर रहा है और एकदम नाराज होकर खड़ा हुआ है, पता नहीं किस बात की नाराजगी है इसको। So, आप लोग ही बताना यार इस बंडल को किस बात की नाराजगी है। शायद इस बात की नाराजगी होगी कि मेरे को जिस इवेंट में दिया है उस इवेंट के तो सियापे ही खत्म नहीं हो रहे, आए दिन उस इवेंट में कोई ना कोई पंगा हो जाता है। अरे मजाक बना के रखते। बाकी इस वीडियो में गाइस हम लोग इसी बंडल के साथ ड्रेस कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। नो टॉप अप एंड टॉप अप प्लेयर्स दोनों के लिए रहेंगे एंड कॉम्बिनेशन काफी अच्छी है तो पूरे देखना। एंड इसी के अलावा बंडल का टॉप काफी अच्छा है एंड इसके अलावा इसका मास्क यार बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब पर्सनली बताऊं तो गाइस मुझे इसका मास्क सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि इसका मास्क बिल्कुल टॉप अप वाले मास्क जैसा लुक देता है। जैसा मास्क आप लोगों को टॉप अप करने पर एक बंडल मिल रहा है उसमें मिल रहा है, सेम वैसा ही लुक इसका मास्क भी आपको देगा। एंड इसके अलावा आर्टिक ब्लू जैसा भी सस्ता लुक इसका मास्क देगा। काफी अच्छा इसका मास्क है यार नो टॉप अप प्लेयर्स के लिए। सही बात है। सो इसीलिए आप लोगों को कॉम्बिनेशन में इसका मास्क बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलो बिना देर किए इसके कॉम्बिनेशन देखना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। ओके गाइस, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख लो, स्टार्टिंग में नो टॉप अप प्लेयर्स के लिए रहेंगे एंड इसका मास्क यार सच में बहुत ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है, पूरी टॉप अप वाली फील आपको इसमें आने वाली है। एंड राइट साइड वाला कॉम्बिनेशन गाइस फ्री की ड्रेस का है, आप लोग बॉटम यूज करना ये येलो वाला अगर आपके पास है तो काफी अच्छा लुक देगा। एंड अगर जर्स पैंट है तो जर्स पैंट भी लगा सकते हो, व्हाइट शूज नहीं है तो चप्पल लगा सकते हो। क्या बात ये बात। एंड गाइस सेकंड कॉम्बिनेशन आप लोग देख लो, इसमें मैंने एक साइड शॉर्ट्स लगाए हैं, शॉर्ट्स लगाओगे वो भी अच्छा लुक देगा। एंड जिनके पास जर्स पैंट हो जर्स पैंट ही लगा लेना। एक मैंने रैंक टोकन के बाल लगाए हैं एक साइड एंड एक साइड अपने डायमंड रॉयल के बाल है। एंड इसके साथ गाइस आप लोग चश्मा ना ही यूज करना तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका मास्क यार आप लोगों को बहुत ओपी लुक देगा, तो मास्क ही यूज करना इसी बंडल का। ओके। एंड अभी बात करेगा इस नंबर थ्री की, नंबर थ्री में मैंने लेफ्ट साइड जो हेयर्स लगाए हैं वो हमारे इंक्यूबेटर के हैं। इससे पहले जो इंक्यूबेटर था वो काफी लोगों का निकला था, तो अगर आपका निकला हो तो उसके हेयर्स यूज कर सकते हो। एंड राइट साइड में जो हेयर्स है वो तो अपने डायमंड रॉयल के हेयर्स हैं, तो जिनके पास डायमंड रॉयल ये वाला हो इसके भी बाल लगा सकते हो। एंड अभी बात करेगा इस नंबर फोर की, नंबर फोर में मैंने दोनों कॉम्बिनेशन में ही जर्स पैंट का यूज नहीं किया है, क्योंकि काफी लोगों के पास अभी भी नहीं है। तो मैंने जो पैंट लगाई है अपनी लेफ्ट साइड में वो अपने कॉल बैक इवेंट के बंडल की है, काफी अच्छा लुक देती है वो भी। एंड दूसरी तो अपनी फ्री वाली शॉर्ट्स है। एंड लेफ्ट साइड में जो कैप है वो अपने अभी वाले कॉल बैक इवेंट के बंडल की है, तो अगर आपके पास हो तो यही लगा लेना, ना हो तो कोई और भी लगा सकते हो। ठीक है। एंड अभी बात करेगा इस नंबर फाइव की, तो नंबर फाइव में मैंने यूज किया है राइट साइड में अपनी फ्री वाली जर्स पैंट नहीं सॉरी। ये क्या बात करता है यार? मेरा मतलब गाइस मैंने लेफ्ट साइड में अपनी यूज किया बीटीएस के बंडल की ब्लू वाली पेंट, तो ये भी काफी अच्छी लगती है, जिनके पास जर्स पेंट ना हो ये पेंट लगा सकते हो। एंड इसके अलावा बात करेगा इस नंबर सिक्स कॉम्बिनेशन की, तो एक तो हमारा जोकर के साथ है, जोकर के साथ तो जोड़ ही लगता है हर कॉम्बिनेशन। एंड दूसरा हमारा गाइस अपने मैजिक क्यूब के बंडल के साथ है, ब्लैक वाला बंडल अगर आपके पास हो तो यूज कर लेना। एंड पेंट भी मैंने उसी बंडल की लगा दी है, तो अगर आपके पास जर्स पेंट हो तो जर्स पेंट भी यूज कर सकते हो। एंड अभी बात करेगा इस नंबर सेवन कॉम्बिनेशन की, तो ये भी दोनों फ्री की ड्रेस वाले ही कॉम्बिनेशन है। एंड अगर आपके पास शूज नहीं है व्हाइट वाले, क्योंकि कुछ लोगों के पास शूज भी नहीं होते हैं, तो शूज की जगह आप लोग इसी बंडल के शूज भी यूज कर सकते हो। मैं तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करती हूँ इसलिए मैं व्हाइट में ही सारे रिकॉर्ड कर देती हूँ, तो आप लोग शूज दूसरे भी लगा सकते हो। ठीक है ठीक है। एंड अभी बात करें नंबर एट की, तो मैंने एक साइड यूज किया है अपना बीटीएस का बंडल, एक साइड मैंने कैप यूज की है। अगर आपके पास और भी मैजिक क्यूब के बंडल हो वो भी आप लोग लगा सकते हो, उनके बाल भी। ओके। एंड इसके अलावा आप लोग बोलोगे कि हमेशा मास्क क्यों लगाया है, तो मास्क ही गाइस इस वाले बंडल के साथ अच्छा लुक देगा, चश्मा इतना अच्छा लुक नहीं देगा। आप लोग चाहो तो लगा के देख लेना गेम में। एंड इसके बाद नंबर नाइन कॉम्बिनेशन में देखो, मैंने इसके मास्क के साथ ही बनाया है। इसका मास्क आप लोग वैसे किसी भी जैकेट के साथ किसी भी शर्ट के साथ यूज करो, काफी अच्छा ही लुक देगा आप लोगों को। हेयर्स आप लोग कोई भी लगा सकते हो जो भी आपके पास हो, तो इसका मास्क यार सही में बड़ा अच्छा है, बिल्कुल टॉप अप वाली फील इसमें आने वाली है आप लोगों को। सही बात है। एंड इसके अलावा नंबर 10 कॉम्बिनेशन भी मैंने इसके मास्क के साथ एंड इसके टॉप के साथ ही रखा है। एंड अभी आप लोग बोलोगे कि इसकी कैप क्यों नहीं यूज की, तो कैप इसकी यार मेरे को सही में अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की लेकिन किसी के साथ भी मेरे को सूट नहीं करी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है इसकी कैप तो आप लोग पहनकर खेल सकते हो, वो आप लोगों की चॉइस होगी। अगर आपको पसंद हो तो आप लोग इसकी कैप पहनकर भी खेल सकते हो। ओके। एंड अभी हम लोग देख लेते हैं फटाफट टॉप अप वालों के लिए ड्रेस कॉम्बिनेशन। एंड मैंने इस बार टॉप अप वालों के लिए भी वॉइस ओवर किया है। ओके नहीं मानता। सो ओके, तो टॉप अप वालों के लिए भी ड्रेस कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन जितने आप लोग देख लो। एंड मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप टॉप अप वालों के लिए वॉइस ओवर क्यों नहीं करते हो, सिर्फ नो टॉप अप वालों के लिए करते हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे
साथ अन्याय हुआ है। सर डाबा वालों के लिए वॉइस ओवर ना करने का रीजन यही है गाइस कि डाबा वालों को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उनके पास तो सारी ड्रेसेस अवेलेबल होती ही है। नो डाबा वालों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये नहीं है तो ये पहन लेना, ये नहीं है तो वो पहन लेना, तो इसलिए मैं डाबा वालों के लिए वॉइस ओवर नहीं करती हूं। बट इस बार आप लोग बोल रहे थे तो मैंने कर दिया है। एंड बाकी ये वाले कॉम्बिनेशन देखो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, एकदम अमीरों वाले कॉम्बिनेशन है ईवो बंडल के साथ। अगर आपके पास ईवो बंडल हो तो जरूर ट्राई करना, ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा हार्ड लगेगा। आप लोग चाहो तो इसकी जगह कोबरा बंडल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी जिस फ्रेंड की आईडी में कोबरा बंडल है उसके आईडी में ये बंडल अभी निकला नहीं है, वरना मैं आपको वो भी लगाकर दिखा देती। एंड ये वाले कॉम्बिनेशन भी देख लो बड़े ज्यादा हार्ड लग रहे हैं। एक साइड मैंने लाइट पास का यूज किया है एंड एक साइड अपना इंक्यूबेटर वाला बंडल है, तो दोनों में ही बड़ा अच्छा लुक आने वाला है। जो भी आपके पास हो ट्राई कर लेना। बाकी गाइस ये जो बंडल है इसके साथ मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि स्कार्फ मत ही लगाना। वैसे मैंने यहाँ पर स्कार्फ लगा दिया है, लेकिन स्कार्फ इतना जचेगा नहीं क्योंकि इस बंडल का आगे से थोड़ा मतलब उठा हुआ टाइप का है, तो इसलिए स्कार्फ इतना सूट नहीं करेगा। मास्क ही अच्छे लगेंगे, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगाना हो तो लगा सकते हो। एंड अपने ये वाले कॉम्बिनेशन भी गाइस आप लोग देख ही लो। एंड मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन से बंडल के बाल है, कौन से बंडल की पेंट है, क्योंकि यार मैं तो बस बना देती हूँ अपने भाइयों की आईडी से जाकर या फिर अपने फ्रेंड्स की आईडी पे जाकर। बट इतना है कि जितनी भी चीजें यूज की है वो अभी रिसेंटली टॉप अप इवेंट्स में आई हुई है और डायमंड वाले बंडल्स की ही है। ओके, एंड इसके अलावा लास्ट वाला कॉम्बिनेशन गाइस इसके मास्क के साथ है। एंड ये वाला मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन भी है, बिकॉज यार बहुत ही अच्छा लुक इसमें आप लोग देख सकते हो आ रहा है। एंड आप लोग कोई भी जर्सी यूज कर सकते हो, कोई भी जर्सी आपके पास हो यूज करना, बड़ी अच्छी लगेगी। एंड हेयर्स आप लोग चाहो तो कोबरा बंडल के भी लगा सकते हो, बड़े अच्छे लगेंगे। ओके ओके गाइस, हमारे साइड ड्रेस कॉम्बिनेशन हो गए। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड यार सही में बड़ा टाइम लगता है एक ड्रेस कॉम्बिनेशन वीडियो बनाने में। मैं सुबह से रिकॉर्ड कर रही थी, अब जाकर वीडियो कंप्लीट हुई है, आप लोगों के पास पहुंची है। तो यार इसी बात पर यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी अपने पैर पर हाथों से ऑन कर देना। एंड हो सके गाइस तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि इसको थोड़ी रीच मिल जाए ज्यादा। एंड बाकी गाइस यार चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।